दिस शो अबाउट लव, हु डू वी गेट टू कम्प्लीट द स्टोरी फॉर लाइफ. ओके, तो आप लोगों ने 3 दिन पहले कुछ मीडिया लीक्स हुई थी, उसमें आपको पता चल ही गया होगा कि मलिका हैड अग्रीड टू होस्ट द शो. द प्रीवियस शोज वर प्रॉबली इंस्पायर्ड बाय बैचलर, इट्स बीन देयर इन द US फॉर मोर देन 10 years, एंड द ओरिजिनल डेटिंग लव शो अराउंड द वर्ल्ड हैज बीन दिस अबाउट 25 seasons. ये मैंने नहीं सोचा इसके बारे में. वन स्टेप एट अ टाइम, हु नोज व्हाट हैपेंस लेटर ऑन इन द फ्यूचर. इट कुड नॉट, आई डोंट नो, बट राइट नाउ कंपेनियनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि जो हमारे हिंदुस्तान की, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द शो टू मी, एंड वन ऑफ द वेरी बिग रीजन्स वाई आई सेड येस टू द शो इज, हिंदुस्तान की शुरू से परंपरा रही है, जो ओरिजिनल परंपरा थी महाभारत के टाइम से, कि लड़कियों के पास अपना जीवन साथी या अपना साथी सुनने की चॉइस होती थी. देर वॉज रिस्पेक्ट फॉर चॉइस, देर वॉज रिस्पेक्ट फॉर देयर डिज़ायर्स. जब द्रौपदी का भी स्वयंवर हुआ था तो हिंदुस्तान के हर कोने से सबको निमंत्रण भेजा गया था उनकी चॉइस पर. वो नहीं चाहती थी कि करण पार्टिसिपेट करें, तो करण ने पार्टिसिपेट नहीं किया. और मातृमुख सोसाइटी होती थी इंडियन सोसाइटी. कृष्ण को देव की पुत्र कहा जाता है, युधिष्ठर को कुंती पुत्र कहा जाता है, बट अलॉन्ग द वे इट गॉट लॉस्ट. एंड परसों ही मैं पेपर में पढ़ रही थी, अकॉर्डिंग टू UNFPA, दैट 47% ऑफ गर्ल्स इन इंडिया गेट मैरिड अंडर द एज ऑफ 18 इन दिस डे एंड एज, इन द 21st century. सो इफ इन माई ओन स्मॉल वे, इफ आई कैन मेक अ स्टेटमेंट, और ये जागरूकता अगर अवेयरनेस आ जाएगी कि यस, चुनाव की स्वतंत्रता हर औरत के पास होनी चाहिए. There should be respect for a woman's right to choose. She has a right to choose. आपके लहराती जुल्फों से खेलना चाहता हूँ, आपकी नशीली आंखों में डूबना चाहता हूँ. एक बात कहूँ, आपसे प्यार करना चाहता हूँ. ये संगे मरमर से तराशा हुआ शफाफ से बदन, ये झील सी नीली आंखें, जुल्फों का रंग सुनहरा, मेरा दिल कहता है तेरा मेरा प्यार होगा दुनिया में सबसे गहरा. ये एक बहुत बड़ी वजह है ये शो करने की. और ऑल्सो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे देश में जो औरतों को मौका नहीं दिया जाता टू चूज़ देयर ओन पार्टनर्स, सो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है. जैसे मैं पढ़ रही थी एक UNFPA की रिपोर्ट कि आज भी 21वीं सदी में 47% गर्ल्स आर मैरिड अंडर द एज ऑफ 18. आज 21वीं सदी में ऐसा हो रहा है, इट्स नॉट राइट. सो अगर मैं ये जागरूकता अपने लेवल पे पैदा कर सकती हूँ, ये अवेयरनेस कि हर एक स्त्री को चुनाव करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, आई वुड लाइक हिम टू बी एन इंडियन, बिकॉज मैं हिंदुस्तानी हूँ एंड आई वुड वॉन्ट हिम टू बी इंडियन. सेम कल्चर, सेम थाट्स, सेम अपब्रिंगिंग.